हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल rjcsk.edu। आज मैं दीपा दुबे अगेन आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रेटिनल डिटैचमेंट। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हियर देयर इज़ द टू पिक्चर्स आर सोन, वन इज़ द हेल्थी आई एंड सेकेंड वन इज़ द रेटिनल डिटैचमेंट। दोनों ही पिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, और एबनॉर्मलिटीज जो दिखाई दे रही है वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, रेटिनल। सो न्यूरोसेंसरी लेयर जो है आपका आई वॉल का, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, कुछ डिफॉर्मेलिटीज। देखिए, फर्स्ट वन इज़ द रेटिना, नॉर्मल रेटिना। तो रेटिनल जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से, कहना चाहिए उसको, करस्पोंडेंस में सेट हो रखी हैं। और सेकेंड जो कंडीशंस आप देख रहे हैं उसमें जो रेटिना है आपका, वो आपका बाकी जो लेयर्स हैं उनसे सेपरेट हो रहा है। सो सच अ कंडीशन इज़ द रेटिनल डिटैचमेंट। आज हम लोग अपने जो आज का टॉपिक है हमारा रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द रेटिनल डिटैचमेंट। हम लोग देखते हैं रेटिनल डिटैचमेंट का डेफिनेशंस। सो डेफिनेशंस में है आपका, इट इज़ द इमरजेंसी सिचुएशंस इन विच अ थिन लेयर ऑफ टिश्यूज एट द बैक ऑफ द आई पुल अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। अब देखिए, इट इज़ नॉट अ डिसीज कंडीशन, नॉट अ डिसऑर्डर्स, बट लेटर इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिसऑर्डर, इट इज़ द मिस नॉर्मल्स। अभी नॉर्मल जो है उसमें कुछ मिस नॉर्मल्स हो रहे हैं, और इट इज़ द इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इमरजेंसी सिचुएशंस है, इसमें आपका क्या हो रहा है, जो थिन लेयर ऑफ टिश्यूज है आपका बैक ऑफ द आई, आई के पीछे से, वो आपका क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, अपना नॉर्मल जो पोजीशन है उस नॉर्मल पोजीशंस को छोड़ के फर्दर हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं उसका जो पोजीशन है वो ली लोकलाइज्ड हो रहे हैं। सो दैट कंडीशन इज द रेटिनल डिटैचमेंट। अब हम इसका देखते हैं इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स जो रहता है वो क्या रहता है, नेक्स्ट स्लाइड में। सो इट इज़ द मोर कॉमन इन द पीपल्स विद द सीवियर मायोपिया। सो पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, एंड मायोपिया इज अबव द 5 and 6 डायोप्टर्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द सीवियर मायोपिया। तो जो लोग जिनमें कि 5 और 6 डायोप्टर से ज़्यादा का मायोपिया है, उनमें रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, हम देखेंगे इन द अदरवाइज, देखें नॉर्मल आई इंसिडेंट इज अराउंड द 5 new cases इन द 1 lakh पर ईयर। तो 1 lakh पर ईयर में 5 new cases देखने को मिलते हैं, लेकिन मायोपिया के केसेस में जो ये रेशियो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें डेफिनेशंस। सो सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। मैंने अभी आपके सामने कहा था, इट इज़ नॉट द डिसऑर्डर, इट इज़ द मिस नॉर्म्स, नॉट इज द डिसीज कंडीशन, सो मिस नॉर्म्स। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल सिचुएशन इज हियर। सो अगर हम लोग डिस्कस करें अपना रेटिनल लेयर्स के बारे में, आप सभी का पढ़ा हुआ है रेटिना, जिन लोगों का नहीं पढ़ा एक बार वो लोग रीड करेंगे, और अभी हम रेटिनल लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। सो दे आर द 10 layers, 10 की 10 layers होती हैं। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब सपोज करिए ये आपका रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर्स है, और उसके बाद इसके नीचे जो है वो आपका 9 sensory layers हैं, न्यूरोसेंसरी लेयर्स हैं आपके 9%, और इन 9 layers के बीच में एक आपका स्पेस मेंटेन होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड द सब रेटिनल स्पेस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब रेटिनल डिटैचमेंट जो सिचुएशन से, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्पेस है ये आपका गैपिंग जो है वो बढ़ रहा है, ठीक, किसी भी वजह से बढ़ रहा है, इसमें फ्लूइड एकुमुलेट्स हो रहा है, या इसमें ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जो आपके न्यूरोसेंसरी लेयर्स हैं वो आपकी पुल हो रही हैं, ठीक है, पुल्ड हो रही हैं। तो एनी सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली जो आपका सब रेटिनल स्पेस है बिटवीन द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम एंड द न्यूरोसेंसरी लेयर्स ऑफ द रेटिना, तो इनके बीच जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड द रेटिनल डिटैचमेंट। कॉजेस देखें, इट इज कॉज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द फोर्स दैट अटैच द NSR एंड द RPE। अब किस वजह से हुआ कि दो लेयर्स जो हैं आपकी, वन इज़ द RPE रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम एंड सेकेंड वन इज द न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ रेटिना, उनके बीच में जो उनको एक फोर्स जो अटैच किए हुए था वो कहीं से आपका ब्रेक डाउन हो जाए,
दो चीज़ों को जो जोड़ने वाला फोर्स है वो ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से पुल्ड आउट हो जाएं। ठीक, नेक्स्ट वाइज द रिजल्ट इन द एक्युमुलेशन ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड। हियर द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द RPE एंड द NSR। तो जो न्यूरोसेंसरी लेयर और रेटिनल पिगमेंटेड जो एपिथीलियम लेयर है, इसके बीच जो आपका पोटेंशियल स्पेस है, उस स्पेस के बीच फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए। तो वन फ्लूइड जो रहता है आपका इसमें है सब रेटिनल स्पेस में, सब रेटिनल फ्लूइड, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। अब उसमें आपके विट्रियस जो है वो आकर के फिल्ड हो जाए, तो विट्रियस आकर के फिल्ड हो गया तो ऑलरेडी क्या हुआ, एक्युमुलेशन हो गया। एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉज द इंक्रीज द सेपरेशन। सेपरेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे द कंडीशन इज कंसिडर्ड एज द RD और द रेटिनल डिटैचमेंट। अब हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी, जो एनाटॉमी होती है वो क्या रहती है। सो रेटिनल एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो रेटिना इज क्लासिफाइड इन टू द टू, वन इज द पेरिफेरल रेटिना एंड सेकेंड वन इज द सेंट्रल रेटिना। सेंट्रल रेटिना इंक्लूड्स द मैकुला एंड द फोविया, यू नो वेरी वेल, एंड पेरिफेरल रेटिना। सो पेरिफेरल रेटिना इज इंक्लूड्स द इक्वेटर टू द ओरस रेटा। ओरस रेटा यू नो वेरी वेल, सो ओरस रेटा इज द ओरिजिन ऑफ द रेटिना, जहाँ से आपका रेटिना जो है वो आपका ऑरिजिनेट हो रहा है, या कहना चाहिए जो रेटिना है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है। नॉट अ टर्मिनेट, इट इज़ द कॉन्टिन्यूस विद द कोरोइड। कोरोइड के साथ क्या हो रहा है, इसका कॉन्टिन्यूसन हो रहा है। सो अ पॉइंट वेयर द न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ द रेटिना इज द कॉन्टिन्यूस विद द कोरोइड, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द ओरस रेटा। तो ओरस रेटा आपका हो गया। अभी बात करें हम लोग पेरिफेरल रेटिना, इक्वेटर से ओरस रेटा तक का जो एरिया रहेगा, सपोज दैट इज द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर है आपका पूरा, दिस इज द इक्वेटर एंड इक्वेटर टू द ओरस रेटा। सो इक्वेटर टू द ओरस रेटा इज कंसिडर्ड एज द पेरिफेरल रेटिना। ओके, सो हियर इज सम एनाटॉमी। सो एनाटॉमिकल टर्म्स इज द पाल्स प्लैना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोरोइड आपने पढ़ा है, वहाँ पे पाल्स प्लैना भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एक बार बुक उठा के देखिए, बाकी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं यस मैम वेरी गुड, यानी सबका पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये तो। कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग भी बोले जा रहे हैं, भाई गुड मॉर्निंग मैंने पहले बोला हुआ है आपको, अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पाल्स प्लैना, द सिलियरी बॉडी स्टार्ट्स 1 mm फ्रॉम द लिम्बस एंड एक्सटेंड पोस्टरली फॉर अबाउट द 6 mm। पाल्स प्लैना जो है ये आपका सिलियरी बॉडी का पार्ट से, ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 mm फ्रॉम द लिम्बस, लिम्बस 1 mm से लेकर के आपका पोस्टीरियर एक्सटेंड करेगा कहाँ तक, 6 mm तक, 6 mm तक आपका पूरा एक्सटेंड करेगा। अब फर्स्ट 2 mm जो है आपका टोटल इज द 6 mm, तो फर्स्ट 2 mm कंसिस्ट ऑफ द पाल्स प्लिकेटा। पाल्स प्लिकेटा इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द पाल्स प्लिकेटा कितना पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है, 2 mm, एंड रिमेनिंग द 4 mm कंप्राइजेस द फ्लैट एंड्स द पाल्स प्लैना। तो टोटल इज द 6 mm, 6 mm में से जो आपका 2 mm है वो आपका पाल्स प्लिकेटा है, और 4 mm जो है वो आपका पाल्स प्लैना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, इन ऑर्डर टू द इनडेंजर द लेंस और द रेटिना, द ऑप्टिमल लोकेशन फॉर द पाल्स प्लैना सर्जिकल। अगर हमें सर्जिकल इंसिजन्स देना है या फिर हमें इंट्राविट्रल इंजेक्शंस देना है, तो उसके लिए सेफेस्ट साइट क्या होगी, तो सेफेस्ट साइट द 4 mm फ्रॉम द लिम्बस। अगर फेकिक आई है तो उसमें लिम्बस से 4 mm, ठीक है, और अगर हमारे पास में स्यूडोफेकिक आई है तो वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 3.5 mm, 3.5 mm जो है लिम्बस से अगर आप इंसिजन्स देते हैं या फिर इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं, दैट इज़ द सेफेस्ट साइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, पल्स प्लैना हो गया हमारा, नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में है ओरस रेटा। सो लेट सी द ओरस रेटा, ओरस रेटा इज द जंक्शन बिटवीन द रेटिना एंड द सिलरी बॉडी। अभी मैंने आपको बताया ओरस रेटा क्या है आपका, जहाँ पे रेटिना जो है वो सिलरी बॉडी के साथ में आकर के ज्वाइंट हो जाएगा, जंक्शन पॉइंट्स। इट्स विथ इज द 2.1 mm टेम्पोरली एंड 0.7 to 0.8 mm नेजली, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम लिम्बस, अगर लिम्बस से डिस्टेंस की बात करते हैं ओरस रेटा की, तो फ्रॉम लिम्बस इट इज़ द 7 mm टेम्पोरली एंड द 6 mm निचली। सो दिस इज द एनाटोमिकल पोजिशन ऑफ द ओरस रेटा। सो ओरस रेटा इज द ओरिजिन ऑफ द रेटिना। सो
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद में और सेट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द सेंसरी रेटिना विद द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। रेव कहाँ पे आपको फ्यूजन होगा न्यूरोसेंसरी लेयर का और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का एट द ओरस रेटा एंड द कोरोइड लिमिट्स। हियर द कोरोइड्स इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट से आपका कोरोइड्स भी प्रेजेंट है, न्यूरोसेंसरी जो रेटिना है वो भी आपका प्रेजेंट है और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है वो भी आपका प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो कोरोइड्स है वो क्या करेगा, जो सब रेटिनल फ्लूइड्स है उसका फॉरवर्ड एक्सटेंशन जो है यानी कि सब रेटिनल स्पेस जो है वहाँ पे जो आपका फिल हो रखा है सब रेटिनल फ्लूइड वो आगे की तरफ मूव करके ना जाए, जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे मूव करके ना जाए, तो उसको क्या करेगा लिमिट्स करेगा, वहाँ पे उसको रोक देगा जिससे कि जो सब रेटिनल फ्लूइड है वो आपका सब रेटिनल स्पेस के अंदर ही फिल रहे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया एनाटॉमी में ओरस रेटा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विट्रियस। सो विट्रियस वेस इट इज द 3 to 4 mm वाइड जोन, कितना है आपका 3 to 5 mm एक वाइड जोन है दैट इज स्प्रेडिंग द ओरस रेटा जो कि पूरा आपका एक्सटेंड हो रखा है किसमें ओरस रेटा में फैला हुआ है। द कॉर्टिकल विट्रियस इज स्ट्रांगली अटैच्ड, जो कॉर्टिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है देन द विट्रियस बेस पोस्टीरियर बेस, ठीक पोस्टीरियर जो है वो थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होता है और इसीलिए वो इजीली आपका क्या होता है सेपरेट भी हो जाता है। सो नेक्स्ट इज द विट्रियस हो गया। विट्रियस के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द आरडी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द आरडी। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ आरडी नेक्स्ट स्लाइड। सो बिफोर गोइंग द फॉरवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द आरडी एक बार एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए उनके बारे में एक स्ट्रक्चर्स गिवन है सो आप देख लीजिए। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द स्क्लेरा एंड दिस इज द कोरोइड। कोरोइड ये देखिए आपका पूरा कॉन्टिन्यूस होकर आ रहा है यहाँ तक हेयर एंड हेयर ऑल्सो दिस इज द कोरोइड एंड रेटिना इनसाइड द कोरोइड दैट इज द रेटिना इज प्रेजेंट। अब ये जो रेटिना है वो आपका देखिए ये येलो मार्जिन्स आपको दिख रही है ये पीछे आपका कोरोइड है और यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है रेटिना जो है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है। नाउ दिस इज द ओरस रेटा दिस इज द ओरस रेटा, इसके पीछे आपका विट्रियस फेस हो गया। बात की थी हमने पल्स प्लाना और द पल्स प्लिकेटा, सो हियर द ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिस इज द पल्स प्लिकेटा एंड दिस इज द प्लेन स्ट्रक्चर्स एक्सटेंशन इज 4 mm दैट इज द पल्स प्लाना। तो ये आपका एनाटॉमी हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर देखने वाले हैं अब क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ओरस रेटा। ओरस रेटा का एक अनदर पिक्चर्स बहुत ही क्लियर पिक्चर्स है, दिस इज द ओरस रेटा दिस इज द पल्स प्लिकेटा सिलरी प्रोसेस है दिस इज द पल्स प्लाना एंड दिस इज द जोन्यूल्स जोन्यूल्स जो कि इसको क्या करके रखे हैं वाइंड करके रखे हुए हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेटिना। सो बिफोर गोइंग द फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स मीन्स हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, हमने रेटिना रेटिनल डिटैचमेंट्स का डेफिनेशन देखा उसके बाद हमने क्या देखा उसका एनाटॉमी देखा अभी एनाटॉमी आफ्टर हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे। तो बिफोर गोइंग द टाइप्स ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेटिना इन दिस वी सी द 10 layers ऑफ द रेटिना। आप सभी देख रहे हैं पिक्चर्स और मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे इसमें जिनमें कोई जिन लोगों के कि 10 layers के नाम लर्न है भाई कितने बच्चे हैं अपना जो नाम मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में जा करके और कमेंट बॉक्स में जाने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मोर वीडियोज़ के लिए फॉलो अप करिए आपको और भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे। इसके साथ आपके साथ पढ़ने वाले और भी बच्चे ऐसे हैं जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मेरे साथ मेरे और भी कलीग्स हैं जो इस तरीके के वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं तो उनको भी आप आगे जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करते जाइए लिंक शेयर करते जाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट्स उठा पाएं। चलिए अच्छे से कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसमें हमको लर्न है भाई नाम भी कुछ बच्चे टाइप करे जा रहे हैं भाई इतना मत टाइप करिए पता चल गया हाँ आप लोग को पता है। सो लेट्स सी हम लोग रिवाइज करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेटिना।
देखिए नीचे फर्स्ट वन इज द कोरोइड, कोरोइड से नीचे स्क्लेरा, स्क्लेरा साइड है, इसके बाद कोरोइड आ गया, कोरोइड के बाद में एक आपका ब्रूस मेम्ब्रेन आ गया, दिस जो लाइटिंग सबको नजर आ रहा है दैट इज ब्रूस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम, सो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम, इसके बाद क्या होगा प्रेजेंट सब रेटिनल स्पेस, हियर द सम स्पेस इज प्रेजेंट दैट इज द सब रेटिनल स्पेस, और इनसाइड द सब रेटिनल स्पेस और द पोटेंशियल स्पेस ऑफ फ्लूइड इज फिल्ड दैट फ्लूइड इज द सब रेटिनल फ्लूइड। उसके बाद आपके जो 9 लेयर्स हैं दैट इज द अदर लेयर्स। अच्छा एक मिसकंसेप्ट और है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, मिसकंसेप्ट क्या है रेटिनल डिटैचमेंट, तो बच्चे सोचते हैं कि रेटिना पर्दा हो गया आपका और पर्दा जो है वो डिटैच हो गया, डिटैच मीन्स कहीं पे अटैच था वहाँ से सेपरेट आउट हो गया, ओके यहाँ तक ठीक है, बट उनका कंसेप्ट दूसरा क्या रहता है कि जो सारी लेयर्स हैं वो एक दूसरे सेपरेट होती हैं, या फिर जो रेटिनल लेयर्स हैं 10-10 जो लेयर्स उनमें 5 लेयर सेपरेट हो जाएंगी, 5 लेयर सेपरेट हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेपरेशन किसका हो रहा है रेटिनल पिगमेंटेड लेयर्स और द न्यूरोसेंसरी लेयर्स, सो न्यूरोसेंसरी लेयर्स इज द 9 लेयर्स, रिमेनिंग 9 लेयर्स ऑफ द रेटिना, दीज 9 लेयर्स इज द फोटो रिसेप्टर्स लेयर्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर्स, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लैजीफॉर्म लेयर्स, इनर न्यूक्लियर लेयर्स, इनर प्लैजीफॉर्म लेयर्स, गैंग्लियन सेल लेयर्स, नर्व फाइबर लेयर्स, इंटरनल लिमिटिंग लेयर्स। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बच्चे है भाई, देखो उसने सारी की सारी लेयर्स के नाम भी मैंसन कर दिया, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हमारी हो गई लेयर्स, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। सो टाइप्स देयर इज द रेटिनल डिटैचमेंट और द आरडी इज द 3 टाइप्स, वन इज द आरआरडी, इजी है देखिए याद करना, आरआरडी टीआरडी और द ईआरडी, ईआरडी इज कॉमन सो आप याद कर लीजिए आरटी एंड ई, आरटीई, ठीक, आर फॉर द रिग्मेटोजिनस, टी फॉर द ट्रैक्सनल, ई फॉर द एक्सुडेटिव। सो फर्स्ट वन इज द आरआरडी रिग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंड वन इज द ट्रैक्सनल रेटिनल डिटैचमेंट एंड थर्ड वन इज द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे रिग्मेटोजिनस। सो रिग्मेटोजिनस द वर्ड इज हियर द रिग्मा, तो रिग्मा मीन्स सिंपल जो वर्ड्स का मीनिंग है हम वो निकालेंगे। देखो बेटा पढ़ने के साथ जरूरी होता है कि आप डेफिनेशंस लर्न करने में क्या करते हो, टाइम निकालते हो, पूरे टर्म्स ढूंढते हो, जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो आप सबसे पहले फाइंड क्या करो कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, अगर आपको शब्द का मीनिंग समझ आता है तो आपको आंसर्स करने में आसानी होगी, आपको चीज़ों को रिवाइज करने में लर्न करने में आसानी होगी। जस्ट एन एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे आपका है क्या है रिग्मेटोजिनस, तो रिग्मेटोजिनस इज द जीनस दैट मीन्स प्रोड्यूस द ऑरिजिनेट कहाँ से हो रिग्मा, सो रिग्मा मीन्स, सो प्रॉपर वर्ड इज द रिग्मा, रिग्मा मीन्स इज द ब्रेक, ब्रेक ऑब्लिक टीयर और द होल, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टीयर हो सकता है और होल हो सकता है, तो रिग्मा मीन्स द ब्रेक। आरआरडी अकर्स ड्यू टू फुल थिकनेस डिफेक्ट इन द न्यूरोसेंसरी रेटिना, अभी न्यूरोसेंसरी जो रेटिना है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 9 लेयर्स, सो 9 लेयर्स रेटिना है, उसकी जो थिकनेस है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाए, अब थिकनेस डिफेक्ट हो रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे एक ब्रेक बनेगा या होल बन जाएगा या फिर टीयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो टीयर फॉर्म बेटा होगा वही आपका कॉज क्या करेगा आपका आरआरडी, दिस परमिट्स द फ्लूइड, अब आपका होल फॉर्म हो गया ड्यू टू द थिकनेस डिफेक्ट, जो थिकनेस आपका डिफेक्ट हुआ उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ अ होल फॉर्म हो गया, टीयर फॉर्म हो गया, दैट टीयर और द होल परमिट्स द फ्लूइड फ्रॉम द सिंचियाटिक विट्रियस टू एंटर द सब रेटिनल स्पेस, अब जो सिंचियाटिक फ्लूइड्स रहा आपका लिक्विफाइड जो फ्लूइड रहा आपका वो आपका कहाँ एंटर हो गया आपका सब रेटिनल पोटेंशियल स्पेस जो था आपका बिटवीन द रेटिना पिगमेंटेड रेटिना और द न्यूरोसेंसरी रेटिना उसके बीच वो फील्ड हो गया, और उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट क्या निकल के आया कि दोनों जो लेयर्स थी आपकी उनके बीच सेपरेशन हो गया, द कंडीशन इज कॉल्ड द आरडी, यही तो हम उतनी देर से कह रहे थे। चलिए तो ये आपका हो गया रिग्मेटोजिनस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स देखिए क्या क्या रहेंगे, ओल्ड एज, अब ओल्ड एज रहता है तो बुढ़ापा बीमारियों का घर भी, बहुत सी बीमारियाँ लगती हैं, चलो आँख में भी एक हो गई, तो इसमें आपका क्या रहेगा कुछ चेंजेस रहेंगे पैथोलॉजिकल कुछ चेंजेस होंगे, कुछ इसकी पैथोजेनेसिस ही हम लोग पैथोजेनेसिस है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो रिस्क फैक्टर इज द ओल्ड एज,
मेल्स मेल्स मोस्ट कॉमन रहते हैं, फीमेल्स की कंपेयर में मेल्स में ज़्यादा होता है। हाई मायोपिया, अगर मायोपिया आपका मोर देन द 5 in 6 डायोप्टर से तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर द RRD, मोस्ट कॉमन फॉर द RD। नेक्स्ट में द ट्रॉमा, आँख में कोई ट्रॉमा हो रहा है, कोई चोट लग रही हो, ट्रॉमा भी किस तरीके का ब्रेन ट्रॉमा है, सार ट्रॉमा हो रहा है, तो वहाँ पे RRD के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। रेटिनल डीजेनरेशन हो रहे हैं, और रेटिनल डीजेनरेशन में भी स्पेशल जो है वो आपका क्या है, लैटाइस डीजेनरेशन। ठीक, तो रेटिनल डीजेनरेशन हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग लैटाइस डीजेनरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेटिनल डीजेनरेशन, नेक्स्ट वन इज द अफेकिया, एब्सेंस ऑफ द लेंस। स्यूडोफेकिया, स्यूडोफेकिया बेटा कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है, और कैटरेक्ट सर्जरी भी अगर आपका चिल्ड्रंस में है जिसमें कि ICCE है, तो लेस जो लेट आपके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसका रिजल्ट आपका रहेगा रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल रेटिनल ब्रेक, किसी भी कारण से जो पेरिफेरल रेटिना है यानी कि इक्वेटर टू द ओरस रेटा, वो आपका कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाए, किसी भी कॉज से ब्रेक हो जाए। कॉज आपके इतने सारे हो सकते हैं, ब्रेन ट्रॉमा हो गया या कोई और परफोरेटिव कंडीशंस हो गई, तो वहाँ पे हो सकता है लेंसेक्टॉमी हुआ, लेंसेक्टॉमी में परफोरेट हो गया तो वहाँ पे ब्रेक कॉज हो गया, तो ये सारे आपके क्या रहेंगे, रिस्क फैक्टर्स रहेंगे। चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए, इस लेक्चर्स को डाउनलोड करिए, बार बार उसको देखिए और इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, इसका पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, ओल्ड फैक्टर्स, ओल्ड फैक्टर्स द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर था आपका ओल्ड एज से स्टार्ट किया। ओल्ड एज में देखिए 2 टर्म्स आए, वन इज द सिंचियसिस एंड सेकेंड वन द सिनरेसिस। सो सिंचियसिस द स्प्लिटिंग ऑफ द विट्रियस, जो विट्रियस है वो आपका स्प्लिट हो रहा है, लिक्विफाइड हो रहा है, यानी लिक्विफिकेशन ऑफ द विट्रियस, अब बहुत ज़्यादा लिक्विफाई हो गया, पतला हो गया, एंड कोलैप्स ऑफ द विट्रियस टू द विट्रियस कैविटी। अब लिक्विफिकेशन का जो रिजल्ट आया, दैट मीन्स सिंचियसिस लीड्स टू द सिनरेसिस। जो सिंचियसिस है वो आपका लीड्स क्या कर रहा है, सिनरेसिस लीड्स कर रहा है। सिनरेसिस में जो विट्रियस है वो आपका विट्रियस कैविटी के साथ में क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। फर्दर रिजल्ट द पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, जो विट्रियस है वो आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या रहेगा, डिटैच हो जाएगा। क्यों डिटैच हो रहे हैं, वही क्वेश्चन जो है मेरा, आप लोग इसका आंसर्स करिए कि मोस्ट प्रोबेबल जो कंडीशन है वो आपकी पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, वाई नॉट द एंटीरियर। बच्चे मतलब बहुत फॉरवर्ड हैं, मैंने क्वेश्चन किया उससे पहले वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स क्यों कर रहे हैं, भाई कुछ आप भी आंसर्स करिए। हाँ भाई देखिए, एक अच्छा सा आंसर्स किया है, क्या नाम है इस बच्ची का, अच्छा आंसर्स किया है इसमें, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट में आंसर्स कर रही है कि लूजली अटैच होते हैं, मैम आपने अभी बताया। ओके, तो पोस्टीरियर विट्रियस जो है वो आपका क्योंकि लूजली अटैच है तो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं कि पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट हो रहे हैं। इट्स वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट इट लीड्स टू द वॉइस रिंग्स, एंड दीज वाइस रिंग्स जो है वो आपके क्या फॉर्म करेंगे आगे जा करके, सोलिट्री फ्लोटर्स, ये आपके सोलिट्री फ्लोटर्स फॉर्म करेंगी, एंड इट लीड्स टू द विट्रियस रेटिनल ट्रैक्शन, जिसकी वजह से, फ्लोटर्स की वजह से क्या होगा, रेटिनल ट्रैक्शन क्रिएट होगा। अब कोई भी चीज़ है वो आपका एक ट्रैक्शन बना रही है, ट्रैक्शन मतलब एक पुल ऑफ फोर्स बना रही है, कोई चीज़ जो है वो उसको खींच रही है, इधर किसको खींच रही है, विट्रियस को खींच रही है, तो जो न्यूरोसेंसरी लेयर से जब उसमें एक ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उस ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो सब रेटिनल स्पेस है बेटा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज द रेटिनल डिटैचमेंट, एंड इट विल कॉज द रेटिनल टीयर, टीयर भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और रेटिनल जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। अब ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, आपका जो विट्रियस था वो आपका लिक्विफाइड था, तो उसी होल से वो आपका लीक करता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, सब रेटिनल स्पेस में, और वहाँ आकर के फिर इकट्ठा होगा, स्पेस को इंक्रीज करेगा। तो पैथोजेनेसिस आपको समझ आई, यहाँ पे सबसे पहले आपने सिंचियसिस देखा, सिनरेसिस देखा, सिनरेसिस लीड्स टू द PVD, एंड PVD लीड्स टू द वाइस रिंग्स, वाइस रिंग्स फॉर्म द सॉलिटरी फ्लोटर्स, एंड सॉलिटरी फ्लोटर्स आर कॉजेस फॉर द विट्रियस रेटिनल ट्रैक्शंस। ओके, एंड इट लीड्स टू द रेटिनल ब्रेक। अब यहाँ पे जो बेटा रेटिनल ब्रेक होगा, सो इट्स मोस्ट कॉमन शेप इज द हॉर्स शू शेप। आपने हॉर्स का शू देखा है, जस्ट ऐसे करके ये शेप रहेगा, तो हॉर्स शू शेप मोस्ट कॉमन शेप रहेगी, एंड मोस्ट कॉमन साइड इज द सुप्रा टेम्पोरल
क्वाड्रेंट्स, जो क्वाड्रेंट्स है वो सुप्रा टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स मोस्ट कॉमन रहेगा। नाउ इसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर वाइस रिंग्स, तो क्यों एक डायग्राम भी है, तो ये देखिए ये एक आपको रिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दिस रिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द वाइस रिंग्स, और यही वाइस रिंग्स जो है वो आपकी फॉर्म क्या करेंगी, सॉलिटरी फ्लोटर्स विच लीड्स टू द विट्रियस रेटिनल ट्रैक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद में। अब क्या हुआ, जो विट्रियस था लिक्विफाई हुआ था आपका, लिक्विफाई होने के बाद में फिर क्या हुआ, विट्रियस कैविटी जो उसमें कोलैप्स किया, कोलैप्स करने के फर्दर हम देखते हैं एक ब्रेक हुआ, ठीक है, हॉर्स शू शेप का हुआ, कॉमन साइड क्या रही है उसकी, सुप्रा टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स में हुआ। उसके वहाँ से जो विट्रियस है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द आरपी एंड द एनएसआर, वहाँ पे आपका एंटर होगा, तो विट्रियस वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे जो विट्रियस कैविटी में फिल था वो आपको रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज द विट्रियस वॉल्यूम्स एंड इट लीड्स टू द आईओपी। आईओपी जो है वो आपका क्या करेगा, वो भी डाउन होगा, डिक्रीज होगा आपका, डिक्रीज द आईओपी एंड डिक्रीज्ड आईओपी इट लीड्स टू द हाइपोटोनी एंड इट्स लीड्स टू फर्दर द थेसिस वल्वाई। तो थेसिस वल्वाई इज द कंडीशन, तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके लिए, सो व्हाट इज द थेसिस वल्वाई, आंसर्स करिए आप लोग, वही थर्ड ईयर के बच्चे हैं कुछ इसमें, कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो थर्ड ईयर के बच्चे उनके टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वो लोग आंसर्स भी कर रहे हैं, आंसर्स करिए व्हाट इज द थेसिस वल्वाई। ओके चलिए, जब तक बच्चे आंसर्स करें तब तक हम देखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। कहाँ थे हम लोग, विट्रियस वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड इट रिजल्ट्स द आईओपी डिक्रीज्ड एंड द हाइपोटोनी लीड्स टू 50% ऑफ पेशेंट्स में आपका रेटिनल ब्रेक जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, पैथोजेनेसिस क्लियर हो गया, दिस द टू टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन टू टर्म्स के बारे में डिस्कस करने से पहले देखें एक अच्छा सा देखिए डायग्राम यहाँ पे है सेल्फ, मैं इधर आके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस डायग्राम को। ये एक आपका ये लेयर बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द आउटर लेयर और द कहना चाहिए इसको, दिस इज द कोरोइड एंड दिस इज द आरपीई रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम, ठीक, आरपीई लेयर, हियर द सम स्पेस इज गिवन, दिस स्पेस इज द सब रेटिनल स्पेस और द पोटेंशियल स्पेस एंड येल्लो कलर का आपको एक और लेयर दिखाई दे, दिस इज द न्यूरोसेंसरी लेयर, दोनों के बीच स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्पेस के बीच में आपका सब रेटिनल फ्लूइड जो है SRF ये भी फील्ड हो रखा है। अब होता क्या है, न्यूरोसेंसरी जो लेयर है इसके इनसाइड दैट इज द विट्रियस कैविटी, ये एक आपका विट्रियस कैविटी है और इस विट्रियस कैविटी में विट्रियस फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो विट्रियस फ्लूइड है ये आपका क्या हो रहा है, लिक्विफाई हो रहा है, कोलैप्स कर रहे हैं, तो कोलैप्स करने की वजह से यहाँ पे आपका थिनिंग हो रही है और ये आपका लिक्विफाई होकर के किसी भी होल के थ्रू कहाँ जाएगा, सब रेटिनल जो स्पेस है जो पोटेंशियल स्पेस में इसमें जाकर के इसमें फिल्ड हो जाएगा, ठीक, पहली कंडीशन ये हो गई। और इसकी वजह से जो स्पेस है बेटा वो आपका क्या होगा, सेपरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, द कंडीशन इज द रेटिनल डिटैचमेंट। अभी क्लियर हुआ आपको, नेक्स्ट वन इज द यहाँ पे आपका विट्रियस कोलैप्स हुआ, विट्रियस कोलैप्स फ्रॉम द वाइस रिंग्स फॉर्म किया, वाइस रिंग्स फॉर्म द लीड्स टू द सोलेट्री फ्लोटर्स बन गया और फ्लोटर्स जो थे उन्हें क्या किया, ट्रैक्शंस क्रिएट किया। अब ट्रैक्शंस की वजह से क्या हुआ, जो न्यूरोसेंसरी आपकी लेयर्स है वो आपकी पुल्ड हुई, किधर पुल्ड हो रही, आगे की तरफ फॉरवर्ड की साइड में पुल्ड हुई और पुल्ड होने की वजह से ये देखिए ये बन के आया आपका, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ, दिस इज द आरडी रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिना है जो आपका डिटैच हो गया, क्या डिटैच हुआ, एनएसआर जो था वो आरपी से डिटैच हो गया, देखिए यहाँ पे ये सेपरेशन और लेट सी ही और द सेपरेशन, तो ये आपका क्लियर हो गया। नाउ टू टर्म्स आर रिमेनिंग हियर, दो टर्म्स हमारे बचे हुए थे, वन इज द जेंट रेटिनल टीयर। अब जो टीयर है अगर ये आपका वन क्वाड्रेंट से ज़्यादा होल सर्कमफ्रेंस से, पूरा का पूरे से सर्कमफ्रेंस से, इस होल सर्कमफ्रेंस को फोर क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, अगर वन क्वाड्रेंट से ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं सो इट इज़ द जेंट रेटिनल टीयर, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जेंट रेटिनल टीयर। एंड वन टर्म्स इज द रेटिनल डायलिसिस, तो रेटिनल डायलिसिस मीन्स समथिंग डैट
डिटैच्ड और द सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑरिजन. अगर कोई भी चीज़ अपने ऑरिजिन से सेपरेट हो रही है, वहाँ से अगर रूट से अपने पुल्ड आउट हो रही है, दैट कंडीशन इज द डायलिसिस. सो रेटिनल डायलिसिस दैट मीन डिटैचमेंट फ्रॉम द ओरस रेटा. ठीक, अभी डिटैचमेंट का जो साइट है वो आपका कहाँ से हो रहा है, अगर ओरस रेटा से, अगर रूट से आपका सेपरेट हो रहा है तो दैट कंडीशन इज द रेटिनल डायलिसिस. तो ये आपका हो गया पैथोजेनेसिस, फिनिश हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स कैटेगरी इनटू टू, वन इज द सिम्टम एंड द साइन. सो लेट्स सी द सिम्टम्स. सडन पैनलेस डिमिनिश्ड ऑफ विजन. पेशेंट जो आएगा वो कंप्लेंट करेगा कि अचानक से उसको दिखना जो है वो कम होता जा रहा है, उसको नहीं दिख रहा है. तो सडन पैनलेस, पैन बिल्कुल नहीं रहेगा, पैनलेस डिमिनिश ऑफ विजन. सेकेंड सिम्टम इज द फोटोप्सिया. फोटोप्सिया इज अ फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स. कहीं पे देख रहे हो और अचानक से क्या लगेगा, जैसे बिजली चमक जाती है ना एकदम से, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स, तो आँख के कुछ बिजली सी चमक के एकदम, उसके सब कुछ कुछ समय के लिए उसको इनविजिबल हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम्स फिर से एडॉप्टेशन होगा, वो फिर से देखेगा. तो फोटोप्सिया एंड द फ्लोटर्स एसोसिएटेड विद द पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रियस डिजनरेशन. तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, फ्लोटर्स दिखाई देंगे, कुछ आँख के आगे कुछ तैरता हुआ सा आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें सिम्टम्स में आपके ये हो गए. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट. तो कॉम्प्लिकेटेड जो कैटरेक्ट रहेगा, एज द न्यूट्रिशन इज अफेक्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ द आईडी. अगर आईडी के केस में बहुत समय तक अगर न्यूट्रिशन जो है वो अगर अफेक्टेड रहता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट फॉर्म होगा. लॉस ऑफ द सेंट्रल विजन, सेंट्रल विजन लॉस होगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोबिया. ठीक, जो फोबिया है उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा बाय द SRF, सबरेटिनल फ्लूइड्स. ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल लॉस ऑफ विजन रहेगा. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द विजुअल एक्सिस बाय द लार्ज वॉलस आईडी. ठीक, अब जो विजुअल एक्सिस है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल विजन है पेशेंट्स का वो अफेक्टेड रहेगा. तो दीज आर द सिम्टम्स. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन. अब साइन देखने के सिम्टम्स, तो पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको बता दिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आगे भी आग के आगे एकदम से बिजली चमक गई. ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चे बराबर आंसर कर रहे हैं, मैम थेसिस वर्ब भाई छूट गया. हाँ भाई छूट गया, आंसर करो आप लोग. कुछ लोग आंसर्स भी गए, अभी हम भी करेंगे आंसर्स, थोड़ा सा वेट करो, पहले इसको ख़त्म करते हैं सीरीज में. तो सिम्टम्स की बात की, सिम्टम्स जो पेशेंट ने आपको सेल्फ बताया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है. एंड साइन, अब साइन जो है वो आपको ढूंढने हैं. ठीक है, तो साइन जो है आप इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. हियर द मेंशंस DDO, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. इसको आप करेंगे 33 और द 40 सेंटीमीटर से. इसमें जनरली जब आप ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं तो उसमें एक रेड रिफ्लेक्स दिखाई देता है, बट हियर इन दिस केस RD के केस में आपको जो रिफ्लेक्स है वो आपको एबनॉर्मल दिखाई दे, दैट इज द ग्रेस रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट. रिफ्लेक्स जो है वो कैसा दिखाई देगा, ग्रेस रिफ्लेक्स दिखाई देगा. सेफर साइंस दिखाई देंगे. सेफर साइन में आपका प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स इन द एंटीरियर विट्रियस. जो एंटीरियर विट्रियस है उसमें आपको पिगमेंटेशंस दिखाई देगा. टोबैको डस्टिंग साइन दिखाई देगा. कर्टेन लाइक इफेक्ट्स आएगा, जैसे कि कर्टेन है जैसे पर्दा पड़ा हुआ है और हवा चल रही है, तो हवा चलने के बाद मूवमेंट्स हो रहा है उसमें और पर्दे से मूव कर जाता है फिर अपनी पोजिशन में. सम टाइम ऑफ इफेक्ट इज सीन. विजुलाइज हो रहा है स्ट्रक्चर्स, उसके बाद कुछ पता चला आई मूवमेंट्स के साथ कुछ आ गया और फिर अपने हट गया. तो द कर्टन लाइक इफेक्ट इज प्रेजेंट. RAPD आपका जो रहेगा प्रेजेंट रहेगा. सेकंड क्वेश्चन से RAPD का फुल फॉर्म टाइप करिए झट से भाई कुछ बच्चे, और टाइप करने के संग संग में बीच बीच में चैनल उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएँ. RAPD का फुल फॉर्म देखिए, बहुत अच्छे से टाइप कर दिया है. रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. आप कई सारे आंसर्स टाइप कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से आ रहे हैं, गुड. कई बच्चे हैं जो अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं. RAPD इज प्रेजेंट एंड द मोबिलिटी इज प्रेजेंट. सो मोबिलिटी जैसे कि कर्टेन लाइक इफेक्ट्स मैंने बताया, तो आई मूव कर रही, आई मूवमेंट्स के संग में जहाँ पे आपका रेटिनल डिटैचमेंट से उसमें क्या होगा, वो भी आपको मूव करेगा और जिसकी वजह से कर्टन लाइक इफेक्ट आएगा. सो मोबिलिटी इज प्रेजेंट. ये आपके साइन हो गए, ये सारे साइन आपको मिल गए. किसमें मिल गए सारे साइन आपने, जब आपने डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की पेशेंट की, तब
उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रेटिनल फोल्ड्स। जो रेटिनल फोल्ड्स बना आपका डिटैचमेंट में, उस रेटिनल फोल्ड्स में क्या रहेगा, ऑसिलेट्स करेगा विद द आई मूवमेंट्स। मोटिलिटी मोबिलिटी जो है उसी का एक्सप्लेनेशन हो गया, रेटिनल फोल्ड्स ऑसिलेट्स विद द आई मूवमेंट्स। तो आपने डीडीओ किया, नेक्स्ट क्या करेंगे अब इसके बाद हम लोग, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कन्फर्मेशंस के लिए। कन्फर्मेशंस के लिए देखिए बेटा, आप ईआरजी भी करा सकते हैं पेशेंट का, ए स्कैन भी करा सकते हैं, वी स्कैन भी करा सकते हो, कराएंगे ठीक है, ए स्कैन करेंगे, वी स्कैन करेंगे, ईआरजी करेंगे, लेकिन आप खुद क्या करेंगे, तो आपके लिए करने के लिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी आप करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग द आरडी, आरडी के टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू सर्च द रेटिनल टीयर। क्या सर्च करने के लिए करेंगे, रेटिनल जो टीयर उसको सर्च करने के लिए। अब इसको सर्च करने के लिए बेटा एक रूल्स है, दैट इज द लिंक ऑफ रूल्स, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना देखें, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो लिंक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग इट इज सर्च अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आरडी। आरडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आरआरडी है आपका, ईआरडी है या फिर टीआरडी है, तो उसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। सबके सिम्टम्स आपको पता है कि किसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, लेट्स सी। तो उसके अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन सर्च करना है, लुक फॉर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आरडी, सबसे ज़्यादा आरडी कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा डिटैचमेंट जो है आपका रेटिनल डिटैचमेंट वो कहाँ पर है वो देखना है। नेक्स्ट, इन द 98% केसेस ब्रेक इज विद इन द 1.5 क्लोक आवर एज बॉर्डर। तो 98% जो पेशेंट है उनमें 1.5 क्लोक आवर जो ब्रेक है वो आपको देखने को मिलता है। इन द इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी जो इमेज आपको मिलेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफिकेशन इज द 5 times और द 5x मैग्नीफिकेशन। तो इमेज जैसा आपको मिल रहा है वैसे ही उसको बना के रखना है, उसको चेंज नहीं करना है कि हाँ ऐसे तो हम ऐसे करें, आपको आसानी होगी उसको करने में। नेक्स्ट, ये आपके हो गए साइन, साइन हमने देखे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके संग में, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। नेक्स्ट, ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट यही देख रहे थे, अब इसमें क्या क्या मिला आपको, रेटिनल थिनिंग ड्यू टू द एट्रोफी, एट्रोफी की वजह से, ये भी बेटा साइन है, जब आपने इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की तो वहाँ पे आपको रेटिनल थिनिंग मिली देखने के लिए। हाई वाटर मार्क्स देखने को मिला, हाई वाटर मार्क्स में एक आपको लाइन देखने को मिलती है, बहुत ही शार्प लाइन्स होती है व्हाइट, एंड द सब रेटिनल डिमार्केशंस लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू द पॉलीफ्रेशंस ऑफ द आरपी एट द जंक्शंस, जो आपके रेटिनल पिगमेंटेड लेयर्स है वो जंक्शन से क्या हो रहा है, परफोरेट करी, तो ड्यू टू द परफोरेशन और रेटिनल डिमार्केशन लाइन इज सीन इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में। नेक्स्ट, कन्फर्मेशन डायग्नोसिस जो है, तो हमारा किससे पहले हमने साइन जो ढूंढे वो कहाँ पर ढूंढे, डीडीओ में, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में। कन्फर्मेशंस के लिए साइन हमने, जो कन्फर्मेशन साइंस थे उसके लिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, और फर्दर जो है कन्फर्मेशंस के लिए वी स्कैन, ए स्कैन एंड द ईआरजी, ठीक है। तो ईआरजी इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी करेंगे, ए स्कैन और वी स्कैन। सो व्हाट इज द ए स्कैन एंड द वी स्कैन, टाइप करिए आंसर, ए स्कैन और वी स्कैन क्या होता है दोनों में, ये हमारा कन्फर्मेशन हो गया इसमें। नेक्स्ट, साइन ढूंढ लिया, सिम्टम्स ढूंढ लिया, सब कुछ हो गया, अब हम लोग फर्दर बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट, सी द मैनेजमेंट ऑफ द आरआरडी। अब आरआरडी का मैनेजमेंट देखने से पहले एक इमेज आपके सामने आया है, सो लेट सी द नॉर्मल रेटिना। तो नॉर्मल रेटिना की स्ट्रक्चर, दिस इज द फोविया है, मैकुला है, इधर द आर्टरी जो वेंट है, ऑप्टिक कप है, ऑप्टिक डिस्क है, तो इसका पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर नॉर्मल है। एंड लेट सी द रेटिनोसिएसिस, सीएसिस मीन द लिक्विफाइड द विट्रियस, विट्रियस लिक्विफिकेशन इज प्रेजेंट हियर, सो लेट्स सी हियर इज द मार्किंग ऑफ द रेटिनोसिएसिस। आप देखिए कुछ आपको डिसिमिलरिटीज, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स आर सीन हियर, इससे आपको कुछ इसमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स को देखें उसके बाद आप कोशिश करिए सर्च करने की। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद में, ओके साइन हम लोगों ने पढ़े, तो हियर दिस इन दिस पिक्चर्स वी सी द यू शेप्ड रेटिनल टीयर। रेटिनल टीयर देखिए विजुलाइज हो रहा हो, कैसा विजुलाइज हो रहा है, दैट इज द यू शेप्ड, सो यू शेप्ड रेटिनल टीयर। नेक्स्ट वन इज द ऑपरकुलेटेड टीयर, लेट सी द ऑपरकुलेटेड टीयर। नेक्स्ट वन इज द एट्रोपिक होल, रेटिनल होल इज प्रेजेंट हियर, ऑपरकुलम्स इज गिवेन,
सो सम द ऑपरकुलेटेड टीयर, सो बिफोर द ऑपरकुलेटेड टीयर द ऑपरकुलम इज फॉर्म्स, तो ऑपरकुलम इज हियर प्रेजेंट्स एंड देन आफ्टर द रेटिनल होल्स इज प्रेजेंट हियर. सो लेट सी द पिक्चर ऑफ द रेटिनल होल एंड दिस इज द रेटिनल डायलिसिस वेयर द रेटिनल पिगमेंट ऑफ द न्यूरोसेंसरी लेयर्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरस रेटा. सो रेटिनल डायलिसिस एंड दिस इज द जेंट रेटिनल टीयर. तो जेंट रेटिनल टीयर अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था इसमें कि अगर मोर देन वन क्वाड्रेंट्स का टीयर है दैट इज द जेंट रेटिनल टीयर. एंड दिस पिक्चर इज द टोबैको डस्टिंग जो कि सेफर्ड साइन में आपको देखने को मिला था, टोबैको डस्टिंग. सो जस्ट लाइक अ टोबैको का जो डस्ट रहता है उस टाइप का एक अपीयरेंस देखने को मिलेगा इन द टोबैको डस्टिंग. सो ये आपके पिक्चर्स हो गए. जो क्लिनिकल साइन है आपके RRD उनको फाइंड करने में बहुत ही हेल्प करेंगे. पिक्चर्स जो है बेटा, हमेशा याद रखिए आप कोई भी डिसीज पढ़ रहे हैं जो पिक्चर्स है उस पर फोकस करिए. पिक्चर्स को देखिए, जब आप बहुत से पिक्चर्स देखेंगे और उसके फर्दर जब आप एग्जामिन करेंगे तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी. सो नेक्स्ट ये आपका हो गया. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट और द मैनेजमेंट ऑफ द RRD. ट्रीटमेंट में हमारा सीलिंग द रेटिनल होल, जो रेटिनल होल फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से आपका RRD आ रहा है उस होल को सील कर दें, ठीक है, बाय क्रिएटिंग द एसेप्टिक कोरियोरेटिनाइटिस. कोरियोरेटिनाइटिस के थ्री इसको सील करेंगे एंड द कोरियोरेटिनाइटिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेजर फोटोकॉगुलेशन एंड लेजर फोटोकॉगुलेशन इज डन विद द ऑर्गन 514 नैनोमीटर्स का रेडिएशंस रहेगा एंड द स्पॉट साइज इज द 200 नैनोमीटर्स. नेक्स्ट वन इज द लेजर PC कर लिया, उससे सील कर दिया. नेक्स्ट वन इज द क्रायोप्लेक्सिक, क्रायो के द्वारा हम लोग इसको सील कर सकते हैं रेटिनल होल को एंड द डायथर्मी, ये आपके टर्म्स हो गए. नेक्स्ट जो रहेगा वो है एक्सटर्नल टैम्पोनेट्स, ठीक, क्रिएट द एक्सटर्नल टैम्पोनेट्स ट्रीटमेंट के लिए. तो एक्सटर्नल टैम्पोनेट्स को क्रिएट करके उससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. और उसके बाद में एक्सटर्नल टैम्पोनेट्स क्रिएट किया देन आफ्टर द स्क्लेरल बकलिंग करती. स्क्लेरल बकलिंग में क्या रहेंगे, स्क्लेरल सूचर्स दिए जाते हैं एक तरीके से, एक लेयर्स चढ़ाया उसके बाद में स्क्लेरल सूचर्स देती है. तो जिससे कि होल जो था आपका, जो होल फॉर्म हुआ था, जो टीयर फॉर्म हुआ था वो क्या रहेगा, एकदम से हाइड हो जाएगा, उसे सील हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द SRF ड्रेनेज. अब सेपरेशन हुआ किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द SRF. तो SRF था तो इस SRF को क्या किया, ड्रेनेज आउट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया. तो इट इज़ डन बाय द फ्लूइड नीडल, एक स्पेशल टाइप ऑफ नीडल्स रहते हैं, इट इज़ द फ्लूइड नीडल्स. और इसकी हेल्प से फ्रॉम द विट्रियस कैविटी, विट्रियस कैविटी से क्या करेंगे, SRF को ड्रेनेज आउट कर देंगे. अब इसमें बेटा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका एंडोफ्थेल्माइटिस हो गया, रेटिनल परफोरेशंस हो गया, रेटिनल परफोरेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड द कोरोइडल हैमरेज हो गया या फिर NPS हो गया, ठीक है, नो विजुअल साइन इज प्रेजेंट ही हो. एंड द इंटरनल टैम्पोनेट्स, तो जैसे एक्सटर्नल टैम्पोनेट्स दिया वैसे ही द सेम इंटरनल टैम्पोनेट्स. और इंटरनल टैम्पोनेट्स जो रहता है वहाँ पे यूज करेंगे SF6 का, C3H8 और द सिलिकॉन ऑयल. सिलिकॉन ऑयल से क्या करेंगे, जो होल हुआ था, जो टीयर फॉर्म हुआ था उसको सील कर देंगे बेसिकली. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. तो RRD जो है हमारा टॉपिक वो पूरा कवर हो गया, जिसमें हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने टाइप्स पढ़ा, टाइप्स के उसका डेफिनेशंस पढ़ा, डेफिनेशंस आफ्टर हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, साइन एंड सिम्टम्स देखे और उसका मैनेजमेंट. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया विद द पिक्चर्स. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. सो एक्सुडेटिव, सो एक्सुडेटिव मीन्स समथिंग इज एक्युमुलेट, कुछ एक्युमुलेट हो रहे हैं, कुछ कलेक्ट हो रहा है. रिग्मेटो में रिग्मा फॉर्म हो रहा था आपका, ब्रेक हो रहा था, टीयर हो रहा था, होल फॉर्म हो रहा था. इन द एक्सुडेटिव्स में क्या रह रहे हैं कि कुछ आकर के एक्युमुलेट हो रहा है, एक्सुडेट फॉर्म हो रहा है. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द SRF इन द एब्सेंस ऑफ द रेटिनल ब्रेक. अभी रेटिना जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन रेटिनल ब्रेक नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, जो SRF है वही बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है. अब एक्युमुलेट हुआ आपका SRF और एक्युमुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, आपको पुशिंग द रेटिनल टुवार्ड्स द विट्रियस कैविटी, जो न्यूरोसेंसरी जो लेयर्स है उसको पुश करेगा. किधर की तरफ पुश करेगा, विट्रियस कैविटी की तरफ पुश करेगा. तो उस पुशिंग की वजह से जो आपका स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा.
ठीक है। सपोज करिए ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पे बीच में कुछ आया और कुछ आकर के इकट्ठा हो गया, ठीक। अब जब इकट्ठा होगा तो जो स्पेस बिल्कुल सटा हुआ था वो क्या हो गया, वो पीछे की तरफ पुश हुआ, ठीक। और पुश होने के बाद दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस और ज़्यादा बढ़ गया, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। क्लियर है आपको? फ्लूइड कलेक्शन अकर्स इन द CSR, एक्सुडेटिव जो है बेटा ये आपका सेंट्रल रेटिना को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, सो हियर इज द दिस कलेक्शन इज अकर्स द CSR द सेंटर सीरस रेटिनोपैथी एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स। अब डिटैचमेंट जो होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज कॉन्वेक्स स्मूथ एंड राउंड इन शेप, राउंड शेप का होगा, स्मूथ होगा और कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्सिटी का कंसेप्ट बेटा ऐसे समझिए इसको, ये सरफेस है और इस सरफेस से कोई भी चीज़ अगर पुश हो रही है तो जब पुश होगी तो उसके जो मार्जिन्स होंगे वो इस तरीके से फॉर्म होंगी, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सिटी रहेगी। और वहीं पे अगर कोई चीज़ पुल हो रही है, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट देखेंगे किसमें, ट्रैक्शनल में, तो जहाँ पे ट्रैक्शन क्रिएट होगा पुल होगा तो वहाँ पे कॉन्वेक्सिटी प्रेजेंट होगी, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कॉन्वेक्सिटी। तो शेप जो आपकी आएगी रेटिनल टीयर्स की वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स स्मूथ एंड राउंड इन शेप। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कॉजेस, सो मोस्ट कॉमन कॉज इज द मेलिनेंट मेलिनोमा, एक्सुडेटिव ईआईडी का जो कॉज है, सो मोस्ट कॉमन कॉज इज द मेलिनेंट मेलिनोमा एंड हियर द सिम्टम्स जो आपका रहेगा वो आपका कॉज भी है और सिम्टम्स भी है, दोनों में आएगा सडन पेनलेस डिमिनिश्ड ऑफ विजन, ठीक। नेक्स्ट है नो फोटोप्सिया, फोटोप्सिया इज एबसेंट, बेसिकली दिस इज द सिम्टम्स नॉट अ कॉज, फोटोप्सिया इज एबसेंट बट फ्लोटर्स इज प्रेजेंट, फ्लोटर्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे एंड फोटोप्सिया है वो आपका एबसेंट रहेगा, सो कॉज कॉज देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ द ईआरडी शिफ्टिंग फ्लूइड साइन इज प्रेजेंट, क्या है आपका शिफ्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड है व्हाट फ्लूइड SRF वो आपका क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कहाँ पे कर रहे हैं, जो पेरिफेरल रेटिना है वहाँ से आपका सेंट्रल रेटिना की तरफ टुवर्ड्स द सेंट्रल रेटिना, और जिसके वो एक जगह आके सेंट्रल पार्ट में आके एक्युमुलेट कर रहा है और NSR जो है आपका न्यूरोसेंसरी रेटिना उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग फ्लूइड साइन प्रेजेंट रहेगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का एक्सेसिव प्रोडक्शन ये देखने को मिलेगा, रिड्यूस RPE फंक्शन, जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम रहेगी इसका फंक्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा एंड पुअर आउटफ्लो। अब SRF का प्रोडक्शन बढ़ गया एंड आउटफ्लो जो है वो आपका कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका एक्युमुलेशन होगा जैसा कि आपका RRD में हो रहा है। सच विद द आइडियोपैथिक यूवियल इफ्यूजन सिंड्रोम, सभी किस वजह से हो रहा है आउटफ्लो, डेट इज द आइडियोपैथिक नॉट क्लियर, सो इफ्यूजन सिंड्रोम्स है जिसकी वजह से आपको फ्लो जो है वो आपका कहना चाहिए अफेक्टेड हो रहा है, दिस इज द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस हो गया आपका ईआरडी का। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, तो सिम्टम द फोटोप्सिया इज एबसेंट, जो फ्लैशेस ऑफ लाइट्स थे बेटा वो आपके एबसेंट हैं, अभी पेशेंट आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि आके आगे एकदम से लाइट बिजली चमक के जा रही है, तो फोटोप्सिया इज एबसेंट, वो सिम्टम्स खत्म हो गया। फ्लोटर्स मे भी प्रेजेंट, प्रेजेंट हो सकते हो नहीं भी हो सकते हैं, फ्लोटर्स में भी प्रेजेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, समटाइम्स हम पेशेंट इज सेइंग कि आके आगे कुछ ऐसे लगता है कुछ तैर के निकल गया, कुछ फ्लोटर्स आ रहे हैं, है ना, और समटाइम्स ही सेइंग नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। फ्लोटर्स में भी प्रेजेंट्स एंड द विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, यहाँ पे क्या डिमिनिश्ड ऑफ विजन रहेगा, लेकिन डिमिनिश्ड ऑफ विजन के साथ में जो विजुअल फील्ड है बेटा वो आपका डिफेक्टिव होगा एंड सडन होगा, मे बी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, दोनों है, बट विजुअल फील्ड इज डिफेक्ट। RRD जो था वहाँ पे डिमिनिश्ड ऑफ विजन था बट नॉट द विजुअल फील्ड इज डिफेक्ट, ओके। तो सिम्टम्स हो गया, नाउ नेक्स्ट सी द साइन, RRD इज द कॉन्वेक्स कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने नेक्स्ट देखा था लिंक ऑफ रूल, तो लिंक ऑफ रूल में क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या देख रहे थे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन सर्च कर रहे थे हम लोग आरडी को ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, सो कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे, ईआरडी, तो ईआरडी में जो आपको आरडी मिल रहा है वो आपको कैसा मिलेगा, कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्सिटी इज प्रेजेंट, जहाँ भी रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, रेटिना आपका डिटैच हो रहा है, वहाँ पे कॉन्वेक्सिटी बेटा प्रेजेंट होगी. ओके, नेक्स्ट विद द डिटैच रेटिना इज वेरी मोबाइल. जो रेटिना आपका डिटैच हो गया है, सेपरेट हो गया है, दैट इज वेरी मोबाइल्स एंड एग्जिबिट द शिफ्टिंग फ्लूइड. फ्लूइड जो है वो आपको शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा. साइन क्या मिलेगा? फ्लूइड शिफ्टिंग साइन इज प्रेजेंट. नेक्स्ट विद द लेपर्ड्स स्पॉट्स आर प्रेजेंट. तो लेपर्ड्स स्पॉट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे पिक्चर्स है, थोड़ा सा अगेन मैं चेंज करती हूँ अपना डायरेक्शन. सो लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ द ईआरडी. ईआरडी का पिक्चर देखिए आप लोग, ये आपका ईआरडी का पिक्चर्स हो गया. ओके, इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट सी द कॉजेस. कॉजेस ऑफ द, अच्छा अभी मैनेजमेंट तो दोनों का हम एक साथ देखेंगे. तो मैनेजमेंट देखने से पहले अभी टीआरडी जो है आपका ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, इसको भी देख लेते हैं. अब ईआरडी में मैंने आपको क्या बताया कि एक्युमुलेशन हुआ, एसआरएफ का एक्युमुलेशन हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा है, आउटफ्लो कम हुआ, पुअर आउटफ्लो की वजह से एक्युमुलेट हो गया. और उसने क्या किया, जो आपका न्यूरोसेंसरी लेयर थी उसको पुश किया. ठीक है, पुश करने के आरडी का कॉन्फिगरेशन वो कैसा, कॉन्वेक्स. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रैक्शंस. पॉलीफ्रेटिव रेटिनोपैथी, जो रेटिनोपैथी उसमें कोई भी पॉलीफ्रेशन हो रहा है, तो पॉलीफ्रेटिव रेटिनोपैथी की वजह से आपका कॉज हो रहा है, आरओपी की वजह से कॉज हो रहा है. देखिए बच्चों से मैंने बार बार एक क्वेश्चंस किया, फुल फॉर्म बता दीजिए, जैसे आरएपीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है, पीवीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए. तो बच्चे कितने एडवांस हो गए, उनको लगा कि हाँ इसमें फुल फॉर्म आरओपी का है, मैम पूछेंगी, तो तुरंत से आंसर टाइप करके बोल दिया, अच्छा आरओपी का फुल फॉर्म. ओके गुड, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ने के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है, चलिए आरओपी, तो रेटिनोपैथी ऑफ द प्री मैच्योरिटी, ठीक, इससे आपका कॉज हो गया. नेक्स्ट मेरा पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा, जो पोस्टियर सेगमेंट से उसमें किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो जाए, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो जाए, तो उसकी वजह से रेटिनल ट्रैक्शनल आरडीएच देखने को मिलेगा आपको. अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें सिम्टम्स. तो सिम्टम्स क्या है बेटा, सिम्टम देखने से पहले एक टर्म्स हम और देखते हैं, ट्रैक्शनल रेटिनोपैथी रेटिनल डिटैचमेंट. तो ट्रैक्शनल में क्या हुआ, फ्लोटर्स फॉर्म हुआ, या किसी भी कारण बस क्या हो रहा है आपका, विट्रियस कोलैप्स हो रहा है. तो विट्रियस कोलैप्स होने की वजह से क्या होगा, एक फोर्स जो है वो आपका जो न्यूरोसेंसरी लेयर से उसको पुल करेगा. ठीक है, और पुल करेगा डेट मीन्स उनके बीच एक आपका ट्रैक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा, खिंचाव पैदा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आरआरडी है वो आपको कॉन्वेक्स, इसका कॉन्फिगरेशन कॉन्वेक्स रहेगा, कॉन्वेक्स आरडी का कॉन्फिगरेशन आपका प्रोड्यूस होगा. सो ट्रैक्शन मीन्स कुछ खिंच रहे हैं यहाँ पे. सिम्टम्स इज द फोटोप्सिया एंड फ्लोटर्स बोथ आर एब्सेंट. तो कितनी अच्छा बात हुई, समझने के लिए याद रखिए, आरडी पढ़ा आपने, आरआरडी, फोटोप्सिया एंड फ्लोटर्स बोथ आर प्रेजेंट, टीआरडी पढ़ा आपने, फोटोप्सिया इज एब्सेंट एंड फ्लोटर्स आर मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी. And in case of the TRD, both are absent. Photopsy and floaters both are absent. Visual field effect is progressive and may be slow and may be stable. ठीक है, विजुअल फील्ड आपका डिफेक्ट रहेगा और ये आपका प्रोग्रेसिव हो सकता है, स्लो हो सकता है और स्टेबल हो सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स आफ्टर नेक्स्ट वन इज द साइन. TRD has the concave configurations. ERD has the convex configuration, whereas the TRD has the concave configurations. इसका कैसा हो गया, concave हो गया. कैसे सर्च करेंगे, by the indirect ophthalmoscopy. Retinal mobility is severely reduced. जो retinal mobility हो रही थी अब तक किस में था, ERD में बहुत ज़्यादा mobility present थी, वो आपका reduce हो जाएगा, यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा. Shifting fluid sign absent रहेगा, ये भी नहीं मिलेगा. SRF जो है आपका सबरेटिनल फ्लूइड या आपका स्वेलर रहेगा. एंड हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द रेटिना अकर्स एट द साइट ऑफ द विट्रियो रेटिनल ट्रैक्शंस. जहाँ पे विट्रियो रेटिनल ट्रैक्शंस प्रेजेंट होगा वहाँ पे रेटिना का एलिवेशन पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा. हाईएस्ट मीन्स जो रेटिना वो बहुत ज़्यादा खिंचाव की वजह से क्या होगी, एलिवेट हो जाएगी. तो ये आपके साइन हो गए TRD के. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद, नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट ERD और द RRD और द TRD लमसम सेम है. सो फर्स्ट वन इज द स्क्लेरल बकलिंग
विट्रेक्टोमी, विट्रेक्टोमी जो विट्रियस है जो आपका लिक्विफाई है उसको रिमूव करना है, यहाँ पे बकलिंग करनी है यानी कि स्क्लेरा जो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा के उसको स्क्लेरा सूचर्स दे देने होते हैं। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, रेटिनोपैक्सी करेंगे। हियर द ए गैस बबल्स इज इंजेक्ट, एक गैस बबल्स जो रहता है वो इंजेक्ट करते हैं जो आपका क्या करता है जा करके जो होल होता है जो रेटिनल होल होता है उसको सील कर देते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, अ गैस बबल्स इज इंजेक्ट इन द विट्रियस कैविटी। एंड नेक्स्ट वन इज द फोटोकॉगुलेशन एंड द क्रायोपैक्सी। तो फोटोकॉगुलेशन एंड द क्रायोपैक्सी दोनों ही हम लोग किसके लिए करते हैं, जो रेटिनल होल बना है जिसकी वजह से आरडी बेसिकली फॉर्म हो रहा है वो आपका सील हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद में पिक्चर्स है हमारे पास ट्रीटमेंट की। सो दिस इज द स्क्लेरल बकलिंग। अब ये आपका बिफोर था, ये देखिए आपका रेटिनल टीयर हुआ, अब रेटिनल टीयर के लिए क्या किया, ये आपको बकलिंग कर दिया गया, स्क्लेरल बकलिंग कर दिया, ओके। नेक्स्ट वन इज द विट्रेक्टोमी, जो विट्रियस था ये आपका एक्सटर्नल टेम्पोनेट्स डाल के इसको रिमूव कर दिया, विट्रेक्टोमी हो गया। नेक्स्ट फोटोकॉगुलेशन, लेजर लाइट्स, लेजर बीम लाइट डाल के क्या किया, होल जो था उसको कॉगुलेट कर दिया, बंद कर दिया वो फोटोकॉगुलेशन। एंड द न्यूमेटिक रेटिनोप्लेक्सी, तो रेटिनोप्लेक्सी जो रहेगा इसमें C3H8 और द SF6 और द सिलिकॉन ऑयल्स के द्वारा क्या करना होता है, जो होल फॉर्म होता है उसको सील कर देते हैं। सो दैट इज द न्यूमेटिक रेटिनोप्लेक्सी। तो ये आपके हो गया ट्रीटमेंट, ओके। नेक्स्ट कुछ नहीं बचा, सारा कुछ खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बहुत अच्छे किए, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आंसर्स करते हैं, दैट मीन्स आप अटेंटिवली मुझे सुनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अगर आप आंसर्स कर रहे हैं तो आप अटेंटिवली सुन रहे हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर्स होगा उसमें मोस्टली मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो साथ साथ में आपको करती चलूँ, ओके। अब आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक यू।